बरकन सूरत फातिहा या मकबूद बहके मोहम्मद मुस्तफ़ा, या आला बहके अली अलैहिस्सलाम, या फातरी समावात बहके जनाबे सैयदा, या मोहसिन बहके हसन अलैहिस्सलाम, या कदीम अल इसान बहके हुसैन अलैहिस्सलाम, बरेला सड़ी इबादत वैसे सवाब कबूल फरमा। बानियान मोहतरम दाए पुरखलूस तड़ा बचाया अपनी बारगज कबूल फरमा। सिलसिलाए अजाओ विला नस्ल च मुंतकिल फरमा। मरहूमीन दे दर्जात बुलंद फरमा। बिलखसूस वालिदा मरहूमा दे दर्जात बुलंद फरमा। करी मालिक वास्ते अपनी रबूबियत दा जितने मोमिनीन सफेदात हाजरन सब दियाँ शरी हजात कबूल फरमा। मोमिनीन का जिक्र अज़ाए चोराया अपनी बारगज बैसे इबादत कबूल फरमा। शिया ने हैदरे करार नू मस्जिदां आबाद करन दी तौफीक अता फर। मेरे करी मालिक साढ़े बादशाह वारस दा ज़हूर जल फरमा। जितने मोमिनीन परदादार मातमियान मवालियान हैदरे करार आशकान रसूल मकबूल सफियादात हाजरीन सब दियाँ शरी हजात मेरे मालिक कबूल फरमा। हक सुनन दी हक बोलन दी हक वेखन दी तौफीक अता फरमा। जेड़े बीमार इन शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत। सदनशीन महफल ज़ेर किसा वजह नज़ूल आयत खल अता। मुखदरात इस्मत साइन सुल्ताना दाराइन इस्मत दीला महदूद ममलकत दी मलका। जिस बीबी दी पा गोदा लकब हुसैन तखल्लस सानी जहरे मुअज़्ज़मा दी ज़ात इक़दस ते अखी नोट के उच्चे आवाज नाल सलवात पढ़ो। बादशाह का फरमान है एक दफ़ा नामे मुहम्मद जुबान ते आवे बंदे दे सत्तर कबीरा गुना मुआफ़ होंदे। दरूद पाक ऐसा अजीम विरद है जिस दो दफ़ा नामे मुहम्मद तलावत होंदा है। गुनावां दी मुआफ़ी वास्ते बुलंद आवास नाल सलवात पढ़ो। बादशाह दी आमदो खुशनूदी दी खातर अपनी दुआ दी कबूलियत दी खातर बारे दीगर दरूद दा हदिया पेश करो बारगाही। बिरादरे बदर बरादरे जीवकार हाजी नवीद आशिक बीए साहब इन्हें दा साया सलामत होवे तशरीफ फरमाए। बिल्कुल मुख्तसर ड्यूटी हाजरी वाजिब आई। हर जाकिर हर खतीब अजबानी दी हसीत नाल हाजर है। मेरे आवन का मकसद पूरा होवे। एक जुमला मैं फजाइल दा एक मासूम दा फरमान और फकत एक सत्र मुसाइब। मजलिस वो वड्डी नहीं जिस गिरिया चोखा होवे। मजलिस वो कामयाब नहीं जिस दाद चोखी होवे। थोड़े कोल दाद लैवनी होवे बादशाह दे फजाइल पढ़िए दाद उस वेले मिल वेंदी। लेकिन मेरा दिल चाहता इतना बड़ा इज्तमा है हजारों की तादाद इस मौजूद हो पूरे पंजाब की नुमाइंदगी है। मेरी पढ़ी हुई मजलिस मेरे हिस्से की नौकरी इमाम बारगाह की बाउंड्री ते खत्म ना हो जाए। मजलिस ऐसी पढ़ना चाहना कम अज कम अद्धा मजमा ऐसा होवे जिन्हां दे ज़हन च मेरी मजलिस बाकी रह जाए। सारे बंदे तई दे च नहीं बोले। जैसी मजलिस सरकार कायम चाह दे जैसी मजलिस जनाबे सैयदतुन नसाइल आलमीन चाह दे सले आला मुहम्मद वाले जैसी मजलिस खुद बादशाह हुसैन चाह दे। हाज साहब वैसी मजलिस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
पढ़ते नहीं सकता, कोशिश कर रहे। मेरा दिल चाह रहा है मैं सैयदाए कौनैन का नाम चाहे तो तुसा दरूद पढ़े और बड़ा खुश होकर पढ़े। मैं फजाइल का जुमला भी बीबी दी शान दे पढ़ दिया। बिल्कुल प्रोग्राम कुछ हो रही लेकिन तुहाडी मार्फत और जज्बा और जोश वेख के फकत हाजी साहब एक जुमला मैं तुहाडी सोच तो पहले मैंबर हाजी साहब के हवाले कर दिया। चाचा दुआ शामिल होवे तो पहली सत्ता रख। उस मस्तूर का तस्करा शुरू कर रहे हैं जिसनू अल्लाह ने फातिमा आख्या। मेहरबानी साईं इमाम हुसैन तुहानू वस्ता रख, तुहाडी नस्ल आबाद होवे, तुहाडी जिंदगी दा राज होवे। मैं उस मखदूमा कौनैन का जिक्र शुरू किया है सैयदादा तुहाडी दादी दी शान पढ़ रहा। जिस मखदूमा नू अल्लाह ने फातिमा आख्या। गुलाम बस भाई भी आख्या जो जलसे की मजलस होर होंदी छोटी मजलस हो उसका बयान और होंगे है। मजमून तो पढ़ना नहीं, बस एक जुमला फजाइल दखना है, एक फरमान पढ़ना है, एक मुसाइब की सत्तर। हूँ अपनी तुसा जरा समात को सजाग करना है और बुलंद करना है। उस मस्तूर का जिक्र कर रहे हैं जिसन अल्लाह ने फातिमा आख्या है। छेवें मासूम को किसी बंदे पूछा मालिक फातिमा का मानी क्या है। मैं समझागा वह बंदा हाजिर नहीं जरा तई देना बोले। चाचू जाएगा मैंबर तपे हुए कल कपड़े की इज्जत की कसम सादे क्याले मुहम्मद मुस्कुरा के फरमाया दुनिया का सब तो वड्डा गुनेगार तुहाडी और मेरे आवण का मकसद क्या है जिक्र आजाइश। दुनिया का सब तो वड्डा गुनेगार जिस दरवाजे तो बख्शिश की रसीद वसूल करे उस दरवाजे नू फातिमा आ दे। ओए होए होए हाथ इमाम जमाना दे पैर नाल मासो तुहाड़ी जिंदगी दराज हो। दुनिया का सब तो वड्डा गुनहगार कोशिश कर रहा मेरी मजलस कम अज कम अगले साल 21 रबीउल अव्वल तक थोड़े सही नच रवे सारी ना रवे को जुमले रहा। मेहरबानी भाई जान फातिमा उसनु आदेन जिस दे दरवाजे तो दुनिया का छोटा नहीं सब तो बड़ा गुनेगार बख्शिश दी रसीद वसूल करे। जेड़े मजलिस च बोलना नमाज तो वड्डी इबादत समझदे हो उन्हां बंदियां तो मुहातेबा। जेड़े बंदे इस मजलिस नु इश्क दी नमाज समझदे हो वो बंदे तबीयत सजाग करो सारे दीन दी थकावट दूर ना होवे ते साईं नौकरी अता क्यों कीती। नाम है फातिमा लकब है जहरा पिछले भी रलिया मेरे नाल पिछले भी जा गया इमाम हुसैन तुम सलामत रखे। नाम है फातिमा लकब है कि सरकार एक कायम ही हुक्म देता है जो ए पढ़। प्रोग्राम तो कुछ हो रही मैं छोटी बीबी का जिक्र करना चाहता हूँ मेरा प्रोग्राम यह लेकिन वड्डी साइन का जिक्र एक कायमी वाले मुहम्मद हुक्म देता है। हुण तुसी ना बोलो तुसी जानो ते मौला जाने। इमाम हुसैन वस्त रखे लकब है जहरा हाजी साहब तो लैके और जड़े मोमिनीन बाहर खलोते हैं हर बंदे कुल दाद नहीं दुआ चाहता लफ्स मेरा कीमती है सारा मजमा पैरा ते खलो के दाद देवे। चाचा नूर दाद थोड़ी हो सी नकीशे दा जुमला वसनी हो सी जितनी मार्फत हसनैन दी माँ दी है तुहाडे दिलो दिमाग च उस मैरिट ते बोलन की कोशिश करे। शेखुपुरा लियो ना तुसी मेरे वास्ते नवे हो ना मैं तुहाडे वास्ते नवा थोड़ा पुराना खादिमा पुराना नौकरा गल मैं वड्डी करूँगा। लकब है जहरा छेवें मासूम फरमाया जहरा ऐसे दीवे को आ दिन जहरा ऐसे चराग को आ दिन जहरा ऐसी मसल को आ दिन जिस दे रोशन होवे नाल सात जमीन ही रोशन होवे सात समान ही रोशन। रल के बोले जिंदगी दराज हो नस्ल मेहरबानी भाई जान नौजवान की खैर हो बजुर्गों का सह सलामत हो। जहरा ऐसे चराग को आ दिन जिस दे रोशन होवे नाल सत जमीन ही रोशन होवे सत समान ही रोशन होवे। मैरिट ते बोलने वाला मजमा बैठा मेरे सामने तुहाडे जैसे लोग ना बोले तो मैं दुख लेके जावांगा जलालपुर जट्टा अगले मिंबर तक। चाचा नूर तुसी मयार तो नहीं बोल रहे अगले साल हाजरी हो सी को मुश्किल आई को परेशानी आई जो हाजिर नहीं हो सकिया। बिस्मिल्लाह करा इमाम हुसैन वस्ता रखे हाजी साहब भी पढ़ना और मैं भी पढ़ना।
बशर्ते जिंदगी उसे तुसी उन दुआ फरमानी है ते गल मैं अगली करूँ उसके बाद मैं मौला एक फरमान और एक सत्र मुसीबत दी। हमदानी साहब तवज्जो है साहिबान जी, लकब है जहरा, दूसरा लकब है बतूल। अच्छा नहीं तुसी बतूल दे सोना नहीं बोले, चलो मैं मेहनत वाली सत्र आंदा। बतूल उसनु आदे जिसनु अल्लाह की इबादत वास्ते वजू की जरूरत ना हो। दुआ फरमाना जी, इनाम नहीं मांगता, मेहरबानी चाचा, खैर होवे तुहाडी, तुहाडी नस्ल आबाद होवे। जिसनु अल्लाह की इबादत वास्ते मैं वादा कीता तुहाडे नाल, मेरी मजलस साल तक तुहाडे ज़हन च रासी, जिसनु चाचू जैगम अल्लाह की इबादत वास्ते वजू की जरूरत ना होवे उसनु शरीयत च बतूल आ दे। खताबत का लुत्फ ताए पहले जुमले तू आवन वाली सत्र वजनी होवे, गल करके दाद लैवना और बात, कसीदा पढ़ के दाद लैवना और बात, जेड़े गल दे वजन समझदे सार उठाओ, गल वड्डी करूँ। हाजी साहब बेशक न्याज ना देवे दुआ जरूर देवे, इस जुमले ते तुसी बुजुर्ग हो, थोड़िया दुआवां दा सदका मैं मिंबर ते आ, तुसी मेरी उंगली फड़ के मैनूं मिंबर ते लाए, मैं वो वेला नहीं बोल सकता। और तुसी मेरे नाल शाम दे संगती भी एक जियारत भी मौला दी कठियां कीती, बीबी पाक कोल कठियां गया, इस जुमले दे तुहाडे कोल दुआ चाहना, मजमा बेशक चुप कर जे। कौन बतूल जिस दा इस्तेमाल शुदा कपड़ा कुरान दा खिलाफ बन सकदा होवे उसनु बतूल। ओए होए होए, शाबाश, चश्मे बददूर अल्लाह नजरे बद तो महफूज रखे, कमाल खूबसूरत कलाम और खूबसूरत तकरीर। लोग आदे ने मुहम्मद दियां चार धियां ने, ए शिया इको दी गल करदे ने, तैनू पता ही नहीं, आ तैनू मैं दसा, इस वास्ते बतूल की कोई बहन नहीं। जिंदगी अल्लाह करे तुहाडी, तुहाडी अल्लाह जिंदगी करे, अल्लाह मेरी बेटियां दे नसीब नेक करे। इस वास्ते बतूल की कोई बहन नहीं, क्या देता मुस्तफा को खुदा फातिमा के बाद। इस वास्ते बतूल की कोई बहन नहीं, क्या देता मुस्तफा को खुदा फातिमा के बाद। आज साहब दा साया सलामत होवे, जिसनु अल्लाह दी इबादत वास्ते वजू दी जरूरत ना होवे, जिस दा इस्तेमाल शुदा कपड़ा कुरान दा खिलाफ बन सकता होवे। तशरीह दा वक्त ही नहीं, तफसील जावना ही नहीं, सत्र वड्डी पढ़नी, उसके बाद एक फरमान पढ़ना है और मुसाए पढ़ना है। चाचा नूर जी, अगर तुहाडा मजमा बोलदा होवे, बोल सोना रहा है, अगर मिजाज और मेरिट बुलंद करदा होवे, ते फिर सत्र में वजनी तुहाडे हवाले करना चाहना। अल्लाह जाने मेरी अजीम सत्र के ज़ेन समा जासी और के सर तू हवा बन के गुजर जासी। दुआ करदा जावांगा सैयद होवण दी असीयत नाल तुहाडे हक च, अगर तुसी मेरिट ते बोल पे, हाथ खोल के भाईजान बवाए। कौन बतूल जिसनु अल्लाह कहबे तू ज्यादा पाक बनाए उसनु बतूल आ दे। होए होए होए, अली हक, अली बिस्मिल्लाह करा। मलंग जी प्यादे ने काबे नू गुसल दी जरूरत है, काबे नू गुसल दी जरूरत है, सैयदा नू गुसल दी जरूरत नहीं। हुण अगला मिनट बाबा जी दी वजह तो लै रहे, बिचारे साहब थोड़ा पढ़ ले, अगला मिनट तुहाडी वजह तो। बिस्मिल्लाह करा। कोई बंदा इतराज कर सकता है, अहले सुन्नत भाई सैयद आई, जाकर हुसैन आई,
सैयदाए कौनैन दी शान पढ़दे आ। बहुत बुलंद बात कीती जड़ी काबे तू चोखी पाक होवे उसनो बतूल आ दे। कोई दलील नहीं सुनती, दलील दे रहे हैं कुरान चो और अपनी और तुहाड़ी जुबान च ताकि हर कहन समझ आवे। अल्लाह पे याद आए इब्राहिम काबा बनाया ही इसनु पाक रखना भी तेरी ड्यूटी है। मैं पढ़िया कुरान है पढ़िया पंजाबी है बोलो यार मेरे नाल इसनु पाक रखना भी तेरी ड्यूटी है। चाचा शफकत जागी मुफ्त ना सुनी इसनु पाक रखना भी तेरी ड्यूटी है। काबे नु पाक रखदा इब्राहिम और सैयदा दे बारिश खाल क्या प्यादा है इन्ना मा युरीदुल्ला हो मैं अल्लाह इना दे करीब रिजस नहीं आवन देंदा। बतूल नु पाक रखदा है अल्लाह, काबे नु पाक रखदा इब्राहिम। ओ मेरा भाई मैं तेनु नतीजा पेश करना चाहना, काबा उतना पाक है जितनी इब्राहिम च ताकत है, जहरा उतनी पाक है जितनी अल्लाह च। ओए होए होए जेड़ी एडी पाक आई प्यो दे टुरन दे बाद बड़ा मारे है बाबे दे हकम। क्या बात, वालियम देव है जरा। मैं जुमला अदा करने च बड़ी जल्दी की थी, दादे आड़े हो गए मैं और तुसी जहरा दे या पुत्रा नु रो नहीं सके चुके दिहाड़े मिला दिया आमद सरकारे मोहम्मद मुस्तफा जश्न साद कहन हाई दो सादक दुनिया ते आए। चाचू जैगम दस दिहाड़े बड़े मुश्किल गुजारे, मैं नहीं चाहता तुसी खलियां बाई करके रहो बाबा जो मिंबर ते खलोता बिल्कुल नहीं चाहता तुसी मेरे मजमे च मातम करो, बस हार आजादार हाई च शामिल हो। ए आस मुक गई उस आजादारी दा मुतलाशी आ जिस आजादारी नु कायम पसंद कर दे। शेखपुर आलियो तुसी मेरे मिजाज तो वाकिफ हो, पूरे दा दिहाड़े तुहाड़ी नौकरी च हाजिर रहे। पहली सत्तर है मेरी कफीयत दी, अगर तुसी महसूस कर लो मैनू अगला दुख पड़न दी लोड़ ही कोई नहीं। नौजवानों एक दुआ मंग रहे हैं आमीन हाय दी सूरत चाखे शालक कहीं बाद शादी दीनों उदे प्यो दे टुरन दे बाद उदे प्यो दे कमी ना मारन। थोड़ी आवाज आते हुसैन रहम फरमावे जद रोवो जहरा दे गाम में रवो उस बीबी का दुख पड़ना चाहना जिस मखदूमा नु हुसैन खुद भी रोंदे। तुसा सारा साल हुसैन नु रोंदे हो ना, मैं उस बीबी का एक दर्द पड़ना है जिस बीबी नु खुद हुसैन रोंदे। चार पसलियां हाजी साहब तईद फरमाया है, चार पसलियां हुसैन दी मां दियां त्रुट गईयां। तुसा हाय नहीं सोनी कीती जिवें तुहाडा मयार है, पसली एक त्रुट वंजे ना बंदे दी सांस लैवना मुश्किल हो जांदी। बतूले जरा दियां चार पसलियां त्रुटियां। अच्छा एक सतर और पढ़दा, गरीब तो गरीब मां होवे ओदी औलाद छोटी होवे बिस्मिल्लाह करा चाचा नूर पे आ जाए दुआ मंगो इंशाल्लाह कै शरीफ दी दीदी कंड हाली ना हो। मरकबा मरकबा कुरला के रो बना ले थोड़िया दिया दे पर दे सलाम है तो बस मेरे इसे दगिरिया जोड़ा हो गया। मैं एक वैन करना है हाज साहब दे वाले मेंबर करना है, बेटे दी जिंदगी दराज होवे। मौलवी साहब दा बेटा है इमाम हुसैन दा दादार है
मैं क्या आख्या गरीब तो गरीब चाचा माँ हो बीमार हो वंजे ना औलाद हो छोटी अलमे अब्बास तलो वंज के मुसल्ला इबादत ते बैठ तेरी हाय दी कसम है एक ही दुआ मंगदी है मेरे अल्लाह मैं अपनी जिंदगी अपने कीते नहीं मंगदी मैं जिंदगी इस वास्ते मंगदी हाँ मेरी औलाद बहुत छोटी है तुहानू समझ नहीं ना आई मेरे जुमले दी मैं खोल के गल करना चाहना मेरिया मावां ते बेणा हाय च शामिल हो सैड अगर प्यू मर जाए माँ किसी शरीफ घर दे कम काज करके औलाद नू पाल गिंदी है रोनिया खनल दुआ मंगो शाला किसे औलाद दी मां ना मरे रिस्क जितना भी होवे छोटियां औलादा रुल वेंदियां ने मां दे बाजू इस इलाके आले अल्लाह जाने केडी दुखी आई मोहम्मद दी दी जदा मुसल्ला इबादत ते बवया ते रो गया कि मेरे अल्लाह तेनु वास्ता है मेरे बाबे दा मेरी जिंदगी मोकाल है वाह 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 अली दियां दियां आए कबूल फरमावे ने सैयद आले मीन तुहाडे अक्के च राजी हो हाँ जी नहीं तुहाडे वास्ते च आए तुहाडे वास्ते च सारे बंदे आए च शामिल हो मैं वेण करदा एक कफीए दी सदर हाजी साहब आलमे दीन दी जुबानी सुनी हुई सैयदा दी शहादत एक राज है कोई जाकर पढ़ ही नहीं सकता ए राज भाई जन उदू खुलना जदों सरकार कायम दी शाही हो सी मौला कायम खुद दादी दी शहादत पढ़ सके लेकिन जो कुछ मकतल च मिलता है अगर असी जाकरीन मिंबर ते पढ़ते भी जाकरी दा जुमला नहीं हकीकत बात है अगर वह शहादत जी मकतल च है मिंबर तो बयान हो इस मिंबर की इज्जत की कसम है फिर मोमिनीन अपने घर ना वंजन तुहाड़ियां लाशा घर वंजन मैं सदका थी वा अमीर अल मोमिनीन दा फरमान सुनो उसके बाद मैं एक वैन कर दूं मौला दिन जेड़ा मेरा शिया है अली उन वली उल्ला पढ़ता है चाहे मातमी होवे चाहे अजादार होवे हुसैनी होवे विकाय जाफरिया ते अमल करने वाला होवे ऐ जुमले सदात नु सारी जिंदगी रवे सी नौला फरमेंदे ने मैं अली हो के हुक्म नहीं देंदा मैं अली अमीर हो के मिन्नत करेंदा कोशिश करे आए अपनी जिंदगी च हुसैन दी मां दा दुख लुकण ना देवे मरकबा भाई मरकबा भाई अपनी जोलियां फैलाओ अपनी हजात अपने दिल च रखो एक सत्र होर सुन लो कराची दे शेख साहब विकाय जाफरियां तल्लुक रखते हैं गारिच नाचा की हो गई बीवी दे चेहरे दे थप्पड़ मारिया बीवी महके चली गई दसा दिहाड़िया दे बाद सुलो दा वसीला बनिया घर च वापस आई कमरे का दरवाजा बंद किया हाथ जोड़ के आदि मैं नहीं आती अज तो बाद मैनू मारना नहीं बेशक मार लवे पर मेहरबानी कर रहा है अज तो बाद मैनू मेरी धी दे सामने ना मार तुझा मैनू मेरी धी दे सामने मारे है त्रै दिहाड़े ना उस खीर पीता है ना उस सम सकीये मुसलमान आदेशिया मातम क्यों करते ने असी मर क्यों नहीं वेंदे इया वजह आई हसन मौला मदीने दे बाजार चुनाएन गुजरदे एक साहब ही पुछिया मौला इस गली चु क्यों नहीं गुजरदे वैन कर गया ने किवें गुजरा इया बाजार मुसलमान मेरी मां नु मरेंदे रे मैं चुप करके मरखबा भाई हो गई आदरी मकान सोनी हो गई एक वैन जी हदिया तन मैं बिस्मिल्लाह करा जिस बीबी का दुख पड़ना है ना उस बीबी दे फरमान बेशक मजलिस नु कुछ नहीं होता क्योंकि मजलिस मुकम्मल ही नहीं अगर बीबी का फरमान शामिल परदेदारा दी नजर कर रहे बीबी फरमाया औरत दी बुलंद पाया सिफत है पैगाम लै जाना कर अपनी दिया बहनों ने सुनाना ताकि मेरी हाजरी मुकम्मल हो जाए कोई भी जाकर गिरिए विच ऐसी गल नहीं करना लेकिन मैं मजलिस सरकार कायम वास्ते पढ़ रही तुसी थोड़ा रवो जा ज्यादा रवो मैं राजी हाँ सैयदा तुन्नेसाइल अलामीन फरमाया बीबी फरमाया औरत दी बुलंद पाया सिफत है ना उसनु कोई वेखे ना वो किसे नु वेखे बस एक वैन हुण मैं कर रहा प्यो दे टुरन दे बाद 95 दिन जिंदा रही त्राए जमात यलसानी दड़ी हसनैन शरीफैन गुस्सल लेवाया छोटियां छोटियां पोशाक जेब तन की थी
ਆਮਾ ਮੇ ਸਰ ਤੇ ਬਦਾਇਸ ਅੰਦੀ ਵੰਜੋ ਨਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੰਜ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸੌਂਡਲੇ ਬਾਈ ਮਾਇਕ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਣ ਕਰੇ ਸਾ ਹਸਨ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾਨਾ ਨਾਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਿਲ ਵੰਜੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਦੇ ਨੇ ਹਸਨ ਹਟ ਵੈ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਮੀਰਾ ਕੋ ਪਿੰਨਣ ਦਾ ਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾਈ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸੋ ਉਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਵਣਾ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰੀ ਹਜਾਤ ਜ਼ਿਹਨੇ ਚ ਰੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਲੈ ਪਸ ਬਹਿ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬਤੂਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਉਹ ਹਾਇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਮੁਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੌਣ ਬਣ ਸੀ ਚਾਚਾ ਦੂਜਾ ਵੇਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਤੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਉਸ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਤੂਲ ਹੈ ਅਗਰ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਨਾ ਸੁਣਾਵਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਅਲੀ ਮਸਜਿਦ ਆਲਿਓ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕੱਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਖਲੋਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਡਹਿ ਪਏ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਾਨਾ ਤੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਖੀ ਦੇਰ ਮਦੀਨੇ ਰਾਵਣ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਨਾ ਤੇਰੀ ਸਿਆਦਤ ਦੀ ਕਸਮੇ ਨਾਨਾ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਕਸਮੇ ਨਾਨਾ ਤੇਰੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਚਲੈਣ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਨਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਮਰਖਬਾ ਮਰਖਬਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਜਿਤਨੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਹਾਏ ਕਰ ਦਿਆ ਵੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆਦਨੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਹੁਸੈਨ ਮਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਵੇਂ ਥਈ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜ਼ਖਮ ਬਾਦੇ ਸੁਣੇ ਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਵੇਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਨਾਨਾ ਚੌਥਾ ਢੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਮੇਰੀ ਸਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਗਈ ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰੇ ਘੰਟੇ 48 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਟੀ ਰਹੀ ਓ ਜ਼ਾਲਮ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਰੇ ਸੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਨਾ ਅਗਲਾ ਵੇਣ ਸਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੇ ਹਾਈ ਕਰੇ ਦੀ ਉਹ ਉੱਚਾ ਵੇਣ ਕਰ ਗਿਆ ਦਰੇ ਨਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੰਮੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਮਰਖਬਾ ਬਾਈ ਮਰਖਬਾ ਬਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੋ ਥੱਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਰਤ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਸਜਾਦ ਬੈਠੋ ਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵੰਜ ਕਬਰ ਚ ਲੱਗ ਸੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਿ ਆ ਲਿਓ ਗੁਰਬਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਗਲਾ ਵੇਣ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇ ਨਾਨਾ ਚੌਥੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਬਹਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਬੀ ਦੀਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸਨਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਸ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੋੜੀਏ ਨਾਨਾ ਕੁਝ ਟੁਕਰੇ ਹਸਨ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਨਾਨੇ ਸਲਮਾਨ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਟੁਕਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸੱਤਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾਈ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਹੀ ਚਾਹ ਲੈ ਕਰਬਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਸਿਮ ਚਾਵੇ ਨਾ ਪੋਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਸਲਾਹ ਕੇ ਆ ਲਿਆ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਚਾਇਆ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਨਦ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅੰਮਾ ਵੇਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀ ਆਈ ਜ਼ਾਲਮਾ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖ ਵੇਂਦੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰਬ ਲਿਖ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖ ਵੇਂਦੀਆਂ ਹਸਨ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤੀਰ ਮੈਂ ਆਪ ਲਿਖ ਵੇਂਦੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਠਾਵੀ ਦੀ ਦੀਗਰ ਲਿਖ ਲੈ
दो मुहर्रम दा दाखला है करबला लिख लिया हर मातमी दे चेहरे ते मेरी निगाह हाय दा वहन सुन न जान रो रो के आ दिया सिख में दा पानी बंद लिख लै अकबर दी आखरी अजान लिख लै अकबर दा सोना सीना फल बरसी दा लिख लै कासम दी लाश ते घोड़ियां दा भजन लिख लै रो रो के आ दिया बेशक ओनो मुहम्मद दी शहादत लिख लै बकर मदानी रो रो के आ दिया बेशक गाजी दी आखे च तीर लिख लै गाजी दे बाजू लिख लै शिया होवे हाय ना करे मैं मन नहीं सकदा आवाज़ा दे नाना मेरी मां रोंदी आई रो रो के आ दिए बेशक डीगर दा वेला लिख लै हुसैन दिया जरबा लिख लै सिमर कमीने दा हाथ लिख लै शबीर दिया जुल्फा लिख लै तो मातम धारे मातम न करे जो हो नहीं सकदा हकल मार के आदने नाना मेरी मां रोंदी आई रो रो के आ दिए आई साले मां मैं गरीब हो गईया मैं यतीम हो गईया जो लिखना ही लिख लै मैं बतौल तेरी का मिन्नत करे दिया जालिमा हंस के आदा जहरा केड़ी मिन्नत रो रो के वदिया दिया न नहीं लिखनी काए दे तो ज़ैनब दी लोईया मिन्ना तो जड़ी ते लावे ओ नहीं ठोर सकदी वेच वेड़े दे वो ना शाम दा सैर वेखावे जिना हाय हुसैन करने जर उठाओ उच्चा वेण करके आ दिया ने किवें बोल सीना ਜਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੁਰਸਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਗਿਰਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਾਤਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਲਾ ਮਰਜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਬੰਨੋ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਗਜ਼ਬਾਂ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਕਹੇ ਤੋਂ ਯਾਲੀਆ ਦੀ ਰੋਈਆ ਮਿੰਨਾ ਤੂੰ ਜੜੀ ਤੇ ਲਾਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੁਰ ਸਕਦੀ ਜਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾ ਪੁਰਸਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗਰ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਰਬ ਨਾ ਪੜਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮੁਸਾਏ ਪੜਨ ਦਾ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਆਦਨ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸੀ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੁਕਾਵੇ ਸੌਂ ਡਾਲਾ ਬਾਈ ਥੋੜੀ ਇੱਕੋ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਕਰਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਵੈਣ ਬੁਲਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਨਾ ਕੁਰਬਾਨ ਵੰਜੇ ਤੂੰ ਜੋ ਆਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਮਿੰਡ ਸਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾਨਾ ਸਤਮਾ ਦੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡੁਰਿਆ ਅਗਲੀ ਰਵਾਇਤ ਪੜਾ ਕੋਈ ਅਦਾਦਾਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨਾਨਾ ਸਤਮਾ ਦੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਡੁਰਿਆ ਨਾਨਾ 40 ਬਦਮਾਜ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਸਦਕਾ ਥੀ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਏ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਨਾ 40 ਬਦਮਾਸ਼ ਕਲਿਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਰਵਾਇਤ ਪੜਦੇ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਨਾ 40 ਬਦਮਾਸ਼ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਦੇ ਆਏ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਿਆ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੇਂਦੀ सैयद बैठी हो मजमे च बशारत भाई छोड़ रहे हैं एक मिनट के बाद सैयद मेरे मजमे च बैठी हो मनु इजाजत दे सो अगली रवायत उंज पढ़ा जिमें आए तो लकाजम कजमीनी दर्ज फरमाई हमदानी शाह जी मैं गलत पढ़ा मैं गाजी मौला दा मुजरिम हो तू सर रवायत सुन के हाय ना करो तुहाड़ी मर्जी दी गल किवें लुकावा मैं जालम दा वकील बनदा इना जालमा लकड़ दे दरवाजे नू अगला छोड़ी अली मस्जिद आलियो लकड़ दे दरवाजे चलो खेदिया में खाए
पिछो पत्थर दी दीवार आई चाचा नूर मलांग जदा दरवाजे च आग दे शोले बोलांग इना जालमा दरवाजे नो धक्का च मारिया अली मस्जिद आले ओ जलदा होया ताक मेरी सैन दे पासे दे जन पिया नबी दी दीद वैन बुलंद होया उच्चा वैन करके आदने थी कत्ल गया है ओ मैडम मोहसिन बचड़ा हुण जल्दी फिजाया है बीबी आदने त्रोट पसलियां गईया अल्लामान अली दिया दिया राजी होवे ना अगली रवायत जैया ज्यादा हौसले ना जिदा मैं वादा की दे मेरी सहन अफाका हो जाए मेरी जरूरत नहीं मैं किवें फड़ा लुका के रवायत पे पढ़ रहा इशारा मैं करना या हुसैन तुहाड़ी किस्मत है हकल मार के आदने फिजा बेन मेरा शोहर अली के न गया है हवाजा दा तेरे प्यो दे कमी अली दे गल च रस्सी पा के दरबार लै गए ना शेरूपुर आले रस्सी दा नाम आया पासे दा दर्द भुल गया है हुसैन दी मां बलार दे पासे कदम वधाया है अपने एक एक लफ्ज अजामे ना चढ़े अकबर दे मातमियों हाय ना कर सको सर दे मातम दा पुरसा देवाए चढ़े अकबर दे मातमियों सर दे मातम दा पुरसा फेज कराया इस अला के आलियो मेरी सैन सजा हाथ चा के अली दे कमर बंद च पाया है अली मस्जिद आले ओ मिंबर दी इज्जत के समे मेरी सैन ने नबूवत आला जोर लाया है अली मौला घर दे पासे वधना शुरू होए ना हुण मेरा भी मुकद्दर है तेरी भी किस्मत है शेरपुर आले आज सर दे मातम दा पुरसा देवे एक लालम दे बच्चे अपने गुलाम नु इशारा कीता है उस बेदीन कोई लोहे दा समान छाया है उस जालमियो जवार कीता है मोहम्मद दी मिठिया दे जन फेरा सर ते मातम दा पुरसा सैनब दी माँ ओनो दी छैजना बाबे दी खबर आई अल्लाह जाने मातमी केड़े ख्याल च बैठियो बीबी रो रो के वधे आदने आया चरगे दी मिसे कामेने दा वो जेड़ा दी तैडी कामिल आए ओ त्रोटा हाथ गिया है इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है जहरा भरे दरबार में हक मांग रही है जनाब जाकर नवीद आशिक साहब मैं गुजारिश करूंगा मेहरबानी करें तमाम पढ़ने वाली शख्सियात से